वेलकम टू सज्जी अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल डू HPGK और जो HPGK में आज हमारा टॉपिक है वो है द HP एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, मींस हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। और इसमें हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश से लेके हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड तक। तो सबसे पहले फॉर्मेशन, जो हिमाचल प्रदेश है इसका फॉर्मेशन हुआ है 15th अप्रैल 1948, मींस 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। अब फॉर्मेशन हुआ तो कैसे हुआ, तो उस समय अराउंड 30 बिग एंड स्मॉल एस्टेट्स थी, मींस हम बोल सकते हैं उस समय की 30 बड़ी और छोटी रियासतों को मिला के क्या किया गया, एक प्रांत बनाया गया और उस प्रांत का नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से क्या आपके हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई सबसे पहले। अब हमने बोला कि हिमाचल प्रदेश कैसे बना, 30 रियासतों को मिला के बना। तो इन्हीं से आगे हम आगे करेंगे कि इन 30 में से जो 26 पहाड़ी रियासतें थी, मींस 26 हिल एस्टेट्स, जो आपकी 26 पहाड़ी रियासतें थी, इनको मिला के हमने एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया महासू। तो इस तरीके से जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना उसका नाम रखा गया महासू। उसी तरीके से मंडी और सुकेत, इन दो रियासतों को मिला के एक जिले का निर्माण किया गया, एक डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया जिसका नाम रखा गया मंडी डिस्ट्रिक्ट। उसी के बाद चंबा रियासत से चंबा डिस्ट्रिक्ट और अंत में सिरमौर रियासत से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश बना तो उस समय कितने डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट थे। कौन कौन से, महासू, मंडी, चंबा एंड सिरमौर। पिछली एग्जाम में यहां से एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी दो रियासतों की बाउंड्रीज को बिना अल्टर किए हुए हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, तो उसका उत्तर था चंबा एंड सिरमौर। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अभी एक करंट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि वो कौन सी दो रियासतें थी जिनकी बाउंड्रीज को बिना अल्टर किए हुए हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, तो वो आपके दो डिस्ट्रिक्ट थे चंबा एंड सिरमौर। तो ये आपने जो क्वेश्चन है ये हमेशा याद रखना है। इस तरीके से हमने किया फॉर्मेशन, ऐसे आपका हिमाचल प्रदेश बना। अब हमने बात की बना, अब ये बन तो गया कुछ हिमाचल प्रदेश, लेकिन अब बना तो क्या बना, तो ये हम आगे करेंगे। आपको डेट बताएगी 15th अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना, मींस 15 अप्रैल को कुछ ऐसा ऐसा करके कुछ रियासतों को मिला के हमने क्या कर दी, एक जगह बना दी। अब इस जगह ये जो चीज है ये क्या बनी, क्या ये स्टेट बना, नहीं। स्टार्टिंग में अब जो इतनी सी चीज थी इसको एक नाम दिया गया, इसको बोला गया चीफ कमिश्नर प्रोविंस, चीफ कमिश्नर प्रोविंस को आप हिंदी में बोल सकते हैं मुख्य आयुक्त क्षेत्र। अब क्योंकि हिमाचल प्रदेश को शुरुआत में चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना दिया गया, तो अब इसके ऊपर रूल भी कौन करेगा, अब इसके ऊपर रूल करेगा चीफ कमिश्नर। नेम से आपको ये सजेस्ट हो जाएगा कि क्या बनेगा, तो फाइनली इसके ऊपर आपका रूल करेगा चीफ कमिश्नर। और यहां से ही आपका एक स्टैटिक HPGK का क्वेश्चन कवर हो जाता है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि जो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे। तो यहां पे आपने याद रखना है जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज मिस्टर NC मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि 1948 में जो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर बने थे वो कौन बने थे, वो बने थे मिस्टर NC मेहता। अब NC मेहता जो है इस क्षेत्र के क्या बन गए, इस ये जो हमने क्षेत्र बोला जिसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा दिया गया उसके चीफ कमिश्नर बन गए। अब ये चीफ कमिश्नर बन गए तो अब ये रूल करेंगे, लेकिन क्या एक अकेला व्यक्ति क्या रूल कर सकता है, एक अकेला व्यक्ति का सब कुछ चला सकता है, नहीं चला सकता। तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उन्होंने यहां पे 9 मेंबर्स की एक एडवाइजरी कमेटी बनाई,
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस वक्त, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 9 मेंबर्स की यहाँ पे एक एडवाइजरी कमेटी बनाई, जो क्या करेंगे, जो इस चीफ कमिश्नर को एडवाइस देंगे कि कैसे क्या है ये कार्य करना जाना चाहिए। तो ये चीज आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि जो एडवाइजरी कमेटी थी वो कितने मेंबर्स की थी, वो 9 मेंबर्स की थी। अब मैंने बोला वो 9 मेंबर्स की थी, अब हम सबके नाम यहाँ पे याद नहीं रखेंगे क्योंकि ऐसा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जो 9 मेंबर्स की कमेटी थी, ठीक है, इसमें जो 6 मेंबर्स थे वो थे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, मींस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, और जो 3 मेंबर्स थे वो थे नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो आपके 3 मेंबर्स थे वो थे नॉमिनेटेड मेंबर्स। बस ये आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो 9 मेंबर्स एडवाइजरी कमेटी थी ये किस में डिवाइड थी, ये 2 टाइप्स में डिवाइड थी, जो इसमें जो 6 मेंबर्स थे वो क्या थे, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल थे, और उसके अलावा जो 3 मेंबर्स थे वो क्या थे, वो थे आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने यहाँ पे सिंपल याद रखनी है, और ये थे आपके फर्स्ट चीफ कमिश्नर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमने बात की कि पहला चीफ कमिश्नर कौन बना, वो तो एनसी मेहता बन गए, लेकिन जो पहला डिप्टी चीफ कमिश्नर था वो कौन था, तो फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर, तो फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर थे, उनका नाम था मिस्टर ईपी मून। ये भी एक आपके एचपीजीके का स्टैटिक क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर था हिमाचल प्रदेश का, उसका नाम क्या था, उसका नाम था मिस्टर ईपी मून। अब यहां से एक चीज सोचने वाली है, वो सोचने वाली बात क्या है कि पहला चीफ कमिश्नर तो हमने कर लिया, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि सेकंड चीफ कमिश्नर कौन था हिमाचल प्रदेश का, सेकंड चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश का कौन था, तो बहुत ईजी है। इजी कैसे है ये, क्योंकि जो डिप्टी था वो ही बाद में क्या होगा, आपका प्रमोट होकर क्या बन जाएगा, सेकंड। तो सिमिलरली जो आपका सेकंड चीफ कमिश्नर और फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर क्या है, वो एक ही है, क्या है, मिस्टर ईपी मून। तो ये दोनों चीजें आपने यहां पे याद रखनी है। और इसके बाद जो यहां से लास्ट प्रश्न पूछा जाता है कि लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम चीफ कमिश्नर था वो कौन था, जो अंतिम चीफ कमिश्नर हिमाचल प्रदेश का वो कौन था, तो वो था आपका मिस्टर भगवान सहाय, मिस्टर भगवान सहाय। तो ये हैं जो 3 क्वेश्चंस आपके जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में जो सबसे पहले सेक्शन कर रहे हैं हम आपके चीफ कमिश्नर प्रोविंस का, जो यहां से पूछे जा सकते हैं। आपको ये नेम याद रखने हैं कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन था, फर्स्ट डिप्टी चीफ कमिश्नर कौन था, सेकंड चीफ कमिश्नर कौन था, एंड लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन था। तो यहां से हमें एक चीज पता लगी कि जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई 1948 से लेके 1951 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा, उस समय तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। ये आपको टेन्योर भी पता ही होना चाहिए कि किस समय तक जो है हिमाचल प्रदेश क्या रहा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यहां तक तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा, अब इसके आगे क्या हुआ, अब इसके आगे 1951 में हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया पार्ट सी स्टेट। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कब बनाया गया है। ये बाइलिंगुअल लेक्चर चल रहा है, जो हिंदी में देख रहे हैं या जो इंग्लिश में देख रहे हैं, उन दोनों के लिए क्या इजी हो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो 1951 में हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। पार्ट सी स्टेट बनाने का यहाँ पे मतलब क्या था, पार्ट सी स्टेट बनाने का मतलब था कि इससे पहले क्या चला हुआ था, इससे पहले चला हुआ था चीफ कमिश्नर प्रोविंस। अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस में एक जो क्या है व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, ब्यूरोक्रेटिक रूल चल रहा है वहां पे, उस ब्यूरोक्रेटिक रूल को खत्म करने के लिए अब इसको क्या बना दिया गया, पारसी स्टेट। अब जब ये पारसी स्टेट बना, पारसी स्टेट बनने के बाद यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया लेजिस्लेटिव असेंबली। पारसी स्टेट बनने के बाद यहां पे क्या आ गया, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई आपकी, मींस विधानसभा आ गई आपकी यहां पे। और जब विधानसभा आई तो फाइनली अब क्या होंगे, अब इलेक्शंस होंगे। और अब जब इलेक्शंस होंगे तो अब सबसे पहले जो इलेक्शंस हुए हैं आपके 1951 में, वो कितने लोगों के लिए हुए हैं, कितनी सीट्स के लिए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे।
और 1951। अब हमने बोला 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट बना दिया गया। अब क्योंकि इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया तो पार्ट सी स्टेट बनाने से यहां पे क्या हुआ, पार्ट सी स्टेट बनाने से यहां पे क्या आ गई, लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई। और क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई तो फाइनली हिमाचल प्रदेश में क्या हुए, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1951 में जो इलेक्शंस हुए हिमाचल प्रदेश में तो कितनी सीट्स थी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, तो वो सीट्स कितनी थी आपकी 36 सीट्स। 36 सीटों के लिए पहली बार क्या हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इलेक्शन हुए थे, और इन 36 सीट्स में जो आपकी 24 सीट्स थी ये किसने जीती थी, ये जीती थी आपके INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और इस तरीके से पहली बार हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी वो किसकी बनी थी, कांग्रेस की। और जब सरकार बनी तो फाइनली कोई क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। तो पहली बार जो मुख्यमंत्री बने वो कब बने, 24 मार्च 1952 को। और कौन बने थे, वो बने थे डॉक्टर YS परमार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से जो हमेशा पूछा जाता है कि जो डॉक्टर YS परमार थे वो पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो वो कब बने थे, 24 मार्च 1952। तो ये चीज आपने याद रखी। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जो आपको समझना है। जब मैंने बोला 1951 में हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया है, पार्ट सी स्टेट, मीन्स जब इसको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया तो अब क्या हुआ, अब चीफ कमिश्नर प्रोविंस खत्म हो गया। जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस खत्म हो गया तब इसको और क्या बनाया गया, अब यहां पे एक नया नोमेनक्लेचर निकाला गया जिसका नाम क्या रखा गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहां पे एक नया नोमेनक्लेचर आ गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो यहां से अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि हिमाचल प्रदेश का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो ये थे आपके लेफ्टिनेंट जनरल, सॉरी मेजर जनरल हिम्मत सिंह। जो हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम क्या था, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछी जाती है कि पहली बार आपके सीएम बने थे या पहली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, तो यहां पे आपने हमेशा याद रखना है पहली बार आपके जो है